मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में लखनऊ से आया एक फरियादी आयुष सिंघल आज योगी आदित्यनाथ से मिलकर जब बाहर आया तो रोने लगा। आयुष का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी ने उसके प्रार्थना पत्र को उठाकर फेंक दिया और उसके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात की। मेरी जमीन अमर मणि त्रिपाठी और अमन मणि त्रिपाठी ने कब्जा कर रखी थी। मैं महाराज जी से मिलने गया, महाराज जी धक्का मार के भगा दिए, कहे तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब बताइए मेरी क्या गलती है, जान की मारने की धमकी अमन मणि देता है, घर पे पत्थर वो फेंकवाता है, महाराज जी को वोट वो देता है, मेरी क्या गलती, हम तो व्यापारी आदमी, हमने हमारी क्या गलती थी। क्या अमन मणि ने क्या आपकी जमीन कब्जा की है? जी कितनी जमीन है? 22.5 बीघा है, पपना मऊ चिन्हट थाना। अभी तक इसके पहले भी आप कई बार आ चुके हैं? जी कितनी बार आ चुके हैं? एक बार लखनऊ में मिला था और 28 फरवरी को जनता दरबार में आया था। तो आज उसी पर दोबारा मिलने आए तो सीएम का साफ साफ आप सीएम साहब को मिला, मैंने कागज़ दिया, मैंने ब्रीफ करना शुरू किया कि अमन मणि त्रिपाठी ने हमारी ज़मीन कब्जा कर रखी है, कागज़ नचा के फेंक दिया, कहा आवारा कहीं का जिंदगी में तुम्हारी कार्रवाई नहीं होगी। किसने कहा? महाराज जी ने। तो बताइए मेरी क्या गलती है इसमें। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? जब से सरकार बनी है तब से। पिछली सरकार तो समाजवादी की थी तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता था, उम्मीद थी कि इस सरकार में करेंगे, इसमें भी धक्का मार दिया, पेपर फेंक दिया। वाकई में ये कितनी शर्म की बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यापारी के साथ इस तरह का सलूक किया। अगर सूबे के मुख्यमंत्री ही इस तरह से लोगों पर अत्याचार करेंगे तो भला जनता किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएगी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।